Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Odi Pooja and I hope you all guys are doing well and staying safe at your home. So guys, आज की जो वीडियो है ना ये काफ़ी knowledgeable वीडियो है एंड ये एक अवेयरनेस वीडियो है So guys, अगर आप लोग भी चाहते हो बहुत सारा पैसा कमाना बहुत सारा तो yes, आप कमा सकते हो But शॉर्टकट के रास्ते से मत जाना क्योंकि बहुत लाइफ में बहुत सारे shortcuts होते हैं और बीच बीच में ना वो शॉर्टकट्स आप तक पहुँच भी जाते हैं सो so, मैं तो ये सजेशन दूँगी कि प्लीज़ उस शॉर्टकट से ना जाके आप ठीक है रास्ता थोड़ा लंबा चुनो थोड़ी देर में पहुँचोगे थोड़ा थोड़ी देर में आपको अच्छा पैसा मिलेगा बट स्टिल वो ए, जो रास्ता है ना आपके लिए सेफ़ रहेगा ठीक है सो so, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगी मैं अभी सो so, अभी मैं आपको ना एक अवेयरनेस की बात बताती हूँ सबसे पहले तो आजकल लाइफ में ना कुछ चल रहा है मेरे पास भी कुछ चीज़ें आ रही हैं तो मेरे पास लास्ट टाइम आई थिंक दो महीने पहले मेरे पास ना एक मैसेज आया था मेरे पास मैसेज ये आया कि व्हाट्सएप पे ना एक रैंडम मैसेज आया था कि मैं मेरा नाम ये है मैं नाम तो भी नहीं लूँगी तो उन्होंने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम ये है और हम ना पार्ट टाइम वर्क प्रोवाइड कराते हैं सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक तो मैं लिंक पे तो क्लिक नहीं किया बट मैंने पूछा कि को किस टाइप का वर्क है बिच टाइप ऑफ वर्क दिस इज़ और हाउ आई कैन अर्न मनी सब क्वेश्चन वोश्चन मैंने पूछे उनसे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक एप्लीकेशन होगा और अगर एप्लीकेशन वाला तो मैंने मना कर दिया तो दूसरा उन्होंने जरा बताया कि हम ना रेटिंग्स कराते हैं तो गूगल पे ना आपको बस रेटिंग्स करनी है और रेटिंग के बाद ना आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा मतलब पर रेटिंग का अभी जो पहला टास्क आपका होगा ना उस पर आपको कितना पैसा मिलेगा आपको ना उस पर टू फिफ्टी रुपीज़ मिलेगा आप एक बार रेट कर दो फिर आपको टू फिफ्टी रुपीज़ मिल जाएगा तो भाई बस एक रेट करने का अगर आपको टू फिफ्टी रुपीज़ मिलेगा तो कौन लेना नहीं चाहेगा भाई मेरे को तो चाहिए तो मैं मेरे मन में भी ना लालच आया सो so, मैंने कहा ओके ठीक है तो फिर मैंने ना रेट किया और फिर उन्होंने मुझे अपना एक रिसेप्शनिस्ट का डिटेल्स दी कि ये लो रिसेप्शन की डिटेल और टेलीग्राम डाउनलोड करो टेलीग्राम पे जाके ये कोड दे देना और बोलना कि ये मेरी पेमेंट लिंक है सॉरी पेमेंट लिंक नहीं बोला तो उन्होंने कहा था पेमेंट कोड है सॉरी हाँ पेमेंट कोड सो so, ठीक है मैं बात करती हूँ तो मैं लिंक वो सॉरी मैं टेलीग्राम चलाती भी नहीं हूँ तो फिर मैंने टेलीग्राम डाउनलोड किया टेलीग्राम पर प्र, प्र, प्रोफाइल बनाई उसके बाद फिर मैं टेलीग्राम पर जाकर जब जा मैंने उसको हाई भेजा तो वो ऑलरेडी ना वो टीम रेडी बैठी हुई थी जैसे ही मैंने हाई बोला उन्होंने सीधा वेलकम वेलकम किया मेरा अच्छे से जैसे, जैसे एक न्यू एम्प्लॉय का होता है ना एक न्यू जॉनी का एम्प्लॉय पूरा एक जो प्रोसेस होता है वेलकम किट वग़ैरह मिलता है वैसे ही मुझे एक वेलकम मैसेज मिला अच्छा सा उनका ओके थैंक यू थैंक यू एंड उसके बाद उसके बाद क्या हुआ फिर उन्होंने मुझे बता बोला कि ठीक है आप अपना नेम आपका एज और आप क्या काम करते हो वो और आपकी बैंक डिटेल्स आपकी बैंक डिटेल से किस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए वो दे दो का ठीक है भेजती हूँ तो मैंने अपना जो डिटेल्स वगैरह थी दे दी अकाउंट डिटेल मैंने दे दी मैंने कहा क्या ही फ्रॉड होगा फ्रॉड तो कुछ होगा नहीं बट सुनते रहे ना इनका फ्रॉड करने का तरीका अलग है अलग है सो so, इन्होंने ये फ्रॉड कैसे करते वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो वीडियो में बने रहना आखिरी तक मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी ऐसा ना हो कि कभी आपके पास ऐसा मैसेज आए और आप भी लालच के चक्कर में कि पैसा मिलेगा घर बैठे पैसा मिल जाएगा तो भाई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि बिना मेहनत करे कुछ भी करे आपको पैसा मिल जाए नहीं अगर कोई आपसे बोलता है ना कि भाई अगर मेरे से आके कोई बोलेगा ना कि पूजा आपको कुछ नहीं करना बस आपको ये दो हज़ार दो रुपये हैं आप ये लो और उसके बदले हम आपको पाँच हज़ार देंगे नहीं मैं बिलीव नहीं करती क्यों क्योंकि भाई किसके बाद फालतु का पैसा दो हज़ार लेके तीन हज़ार आपको एक्स्ट्रा देगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सो आते हैं पॉइंट पे तो उन्होंने मेरे से बैंक बैंकिल वगैरह ली तो उन्होंने मुझे फटाफट से ना, ना मुझे टू ट्वेंटी ढाई सौ रुपये टू फिफ्टी एस टू फिफ्टी रुपये मुझे भेज दिए भाई अब ढाई दा, सौ रुपये अकाउंट में आ गए तो मुझे भी लगा ये जेनविन तो है अब इन्होंने दे दिए फ्री में तो पैसे आते नहीं इन्होंने मुझे ढाई सौ रुपये दे दिए इसका मतलब है कि ये काम की चीज़ें हैं तो करती हूँ आगे बात ओके okay. सो so, उसके बाद ना उन्होंने मुझे बोल दिया कि पूजा सी अभी आपको टिफ्टी रुपीज़ मिले हैं अगर आप और अर्न करना चाहते हो हाँ तो ये लोग ना दिन में ना आपको ट्वेंटी टास्क देते हैं कि आपको एक दिन के ना बीस टास्क करने हैं बीस टास्क करोगे तो आपको पर टास्क के अलग अलग पैसे होते हैं अलग अलग मिलेगा जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे आपके टास्क भी बढ़ेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी और आपके पैसे जो बढ़ जाएंगे तो मैंने कहा ठीक है करती हूँ तो जो उनका सेकेंड टास्क था तो एक बीस ऐप बीस टास्क में से ना आपको तीन या चार टास्क ना प्रीपेड टास्क होते हैं जिसमें ना आपको पैसा लगाना होता है पहले औरों में तो आपको पैसा मिलता है बट चार टास्क चार या पांच टास्क ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको पैसा देना होगा पहले उनको जैसे लाइक दो हज़ार दो तीन हज़ार चार हज़ार मत अलग अलग रहता है अलग अलग स्लॉट रहता है जैसे कि मैं न्यू कॉमर्स थी तो मुझे ना एक हज़ार रुपये पे करना था उनको तो उन्होंने मुझे बोला आपको एक हज़ार रुपये पे करना है तो उसके बदले आपको तेरह सौ रुपये मिलेंगे तो भाई मेरे पास फिर से लालच आया कि एक हज़ार देने पर तेरह सौ मिलेंगे तीन सौ रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे तो मैंने एक हज़ार दे दिया तो मैंने जैसे एक हज़ार रुपये दिए ना तो उन्होंने फिर मुझे एक टास्क दिया कि ये ना ट्रेडिंग कराते हैं आपको इन्होंने मुझे ट्रेडिंग कराया कि ये सेलेक्ट करना ये वाला सेलेक्ट करना और वन एटी सेकेंड्स का सेलेक्ट करना और ट्रेड करो उसके बाद आपको हम आपका आपकी जो सैलरी होगी वो रिसेप्शनिस्ट आपको पे कर देगी ठीक है तो फिर हमने मैंने ये वाला टास्क किया और मुझे मिला भी फिर मुझे थर्टीन हंड्रेड मिल गया उस पर मुझे तेरह सौ रुपये मिल गए तो उसके बाद ना फिर से मैंने कहा कि यार ये तो एकदम जेनुन है भाई एकदम जेनुन है अगर मुझे हर टास्क के भी पैसे मिल रहे हैं और मुझे मुझे एक हज़ार के बदले मुझे तीन हज़ार पे सॉरी तेरह सौ रुपये मिल रहा है इसका मतलब तो भाई जेनुन है चलो अब तो डेली के मैं इतना तक कमाई लूँगी मतलब आता है ना सपने देखने लगी थी मैं भी कि भाई इतना पैसा कमाऊँगी ये वो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ना तीस इस टास्क के बाद ना फिर बीच में रेटिंग वाले ऐप चलते रहते हैं रेटिंग वाले टास्क चलेंगे तीन चार रेटिंग वाले टास्क चलेंगे जैसे आप एक प्रीपेड टास्क करते हो ना तो वैसे आपको एक टास्क का पचास रुपये मिलता है अगर बीच में ना आपने प्रीपेड टास्क कर लिया एक पैसे देने वाला टास्क जिससे पहले पैसा लगाना होता है तो आपके जो रेटिंग वाले ऐप्स के पैसे होते हैं बढ़ जाते हैं पैसे पर टास्क के पचास होते हैं फिर आपका ना एटी कर देंगे पर टास्क के ना एटी रुपीज़ कर देंगे तो उन्होंने एटी रुपीज़ कर दिया फिर मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है थोड़े दिन मुझे ऐसा लगा कि बस पैसा ही पैसा होगा <laughs> उस टाइप का लगा फिर मैंने कहा चलो भाई भी करते हैं स्टार्ट तो फिर उसके बाद मैंने जब उन्होंने वापस से ना ऐसा करते करते ना ये वाला टास्क आया प्रीपेड टास्क आया तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी सी पूजा अभी ना आपको ना तीन हज़ार देना होगा तीन हज़ार दोगे तो हम आपको थर्टी नाइन हंड्रेड देंगे मतलब कोई भी स्लॉट कर सकते हो आप बहुत सारे होते हैं देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ना मैंने सब रखा हुआ है तो टेलीग्राम पे ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप से और कैसा होता है इन्होंने मुझे ग्रुप से हटा दिया है इन्होंने मुझे ग्रुप से हटा दिया है बट मैंने ना इनका मैसेज रखा हुआ था सो so, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड अगर इसमें मुझे मिल गया ना वैसे ये सारे जो मैसेजेस हैं ना ये इस रिसेप्शनिस्ट के ही हैं देखो ये देती रहती है करंट इतना, इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया ये सारे ना उसके यहाँ अभी देखो इन्होंने मुझे ना ब्लॉक मार दिया तो डिलीटेड अकाउंट दिखा रहा है यहाँ पे वो ना इन्होंने डिलीट कर दिया है इनको पता होगा कि ये पक कलर वीडियो बनाएगी किसी को दिखाएगी इन्होंने वो डिलीट कर दिया है तो बट मुझे ना ये वाला मिला है देखो इसी के चैट में श्री नाम है इसका को श्री नाम है टेलीग्राम पे इन्होंने ना मुझे ऐसा ये दिया है टास्क ना ऐसे देते हैं ऐसे को लिंक भेज देंगे लिंक पे जब क्लिक करोगे ना अलग अलग टाइप वो रेट करने का होगा या एड टू कार्ड करने का होगा ये वाला एड टू कार्ड वाला है तो पता है ये फ्रॉड कितने बड़े फ्रॉड है ये ना टास्क चेक भी नहीं करते कि हमने ठीक किया ये नहीं किया जैसे ये एड टू कार्ड करना है बट मैंने ना मैं बस ऐसे करती हूँ बस लिया ये पिक्चर आ गई मैं स्क्रीन लिया और इनके साथ ना शेयर कर दिया कि ये टास्क है देखो टास्क देते ही फिर ये यहाँ पर आपको आप ना सैलरी बता देंगे कि करंट सैलरी सेवेंटी सैलरी पर टास्क फिफ्टी रुपीज़ ऐसे ना देखो लिख अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसे बना के देते हैं और जैसे ही आपका टू हंड्रेड रुपीज़ हो जाएगा ना अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या थ्री हंड्रेड हो जाएगा तो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ऐसे करके भेजते रहते हैं बट गाइज ये ना एकदम फ्रॉड है देखो ये मुझे ना ये एक बार चेक करना था कि ये लोग फ्रॉड हैं या जेनवन है तो so, इन्होंने मुझे ग्रुप से भी भगा दिया है <laughs> एग्जिट कर दिया मुझे रिमूव कर दिया तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया था ना तो मैंने मुझे जब प्रीपेड टास्क करना था तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि हाई एवरी वन प्लीज़ सपोर्ट मी नहीं मैंने ना ग्रुप में मैसेज किया था कि हाई गाइस मुझे ना प्रीपेड टास्क करना है तो प्लीज़ लेट मी नो कौन से वाला ठीक रहेगा तो मैंने ऐसे करके ना ग्रुप में मैसेज डाल दिया भाई मैसेज डालते ही ना मतलब कुछ सेकेंड हुआ होगा काफ़ी लोगों ने देख लिया पर वो मैसेज डिलीट हो गया तो एडमिन ने डिलीट कर दिया होगा मैसेज बट मेरे पास पर्सनल में ना काफ़ी सारे चैट्स सा आ गए एकदम से जैसे मैंने बोला ना कि मुझे प्रीपेड टास्क करना है तो काफ़ी सारे चैट्स आ गए तो वहाँ पे लोगों ने ना मुझे सभी ने बोला कि भाई आपको प्रीपेड टास्क करना है तो प्लीज़ मत करना मत करना ऐसे करके सभी बोल रहे हैं देखो मैं आपको एक लड़की का टास्क वो दिखाती हूँ इसका नाम तनु है मतलब पहले इसका नाम इसने अपना अकाउंट श्रेया का नाम से बनाया हुआ था उसने तो तनु कर लिया है इसने अकाउंट भी अपना इसलिए चेंज किया क्योंकि इनको वापस से पैसे कमाने थे इसके साथ ना बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है गाइज देखो मैं ना इसके चैट बताती हूँ इन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्रीपेड टास्क करना है मैंने कहा हाँ कुछ हुआ है क्या तो कहती है हाँ रुको भेजती हूँ बताती हूँ क्या हुआ है तो इन्होंने मुझे एक स्क्रीन भेजा इन्होंने मुझे एक स्क्रीन भेजा है जिसमें ये मैंशन है इसके रिसेप्शनिस्ट का कि आपको पहले इन्होंने क्या लिखा है प्रीपेड ऑर्डर प्रोजेक्ट प्रस्टेटस इन प्रोग्रेस टास्क प्रॉफिट सिक्सटी परसेंट मतलब आपको ना सिक्सटी परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा तो उन्होंने बोला कि डिपॉजिट अमाउंट जो आपका रहेगा ना आपका एटी थाउजेंड रहेगा और आपको जो कैश बैक मिलेगा वो आपको मिलेगा वन लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड मतलब आपका टोटल अमाउंट जो रिटर्न मिलेगा ना ये वो है अगर आप एटी थाउजेंड लगाते हो तो आपको वन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज़ रिटर्न मिल जाएगा ऐसे ऐसे ही इन्होंने आप दूसरा लिख रखा है टू लाख लगाओगे तो थ्री लाख ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड मिलेगा अगर आप थ्री लाख ,00 लगाओगे तो फोर लाख एटी थाउजेंड मिलेगा ऐसे करके कि चूज़ योर को चूज योर कोटेशन प्लान आफ्टर सेलेक्टिंग प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी टू गेट योर रिचार्ज कोड ऐसे तो इसने ना भाई इस लड़की ने ना ज़्यादा सोचा नहीं मुझे लगता है इसने ज़्यादा सोचा नहीं और इसने डिपॉजिट कर दिया इसके पहले सबसे कम अमाउंट से गई थी थ्री थाउजेंड वाले से जब ये, जब इसने देखो इसने लिख इसने रखा है एक तीन हज़ार का डिपॉजिट करने के बाद मुझे सेकेंड टास्क के लिए बोला जो सोलह हज़ार एक सौ बीस का था मैंने उसे मैंने यूज़ किया और मुझे बोलते हैं कि मैंने गलत फिलअप किया है और अब कहते हैं अस्सी हजार डिपॉजिट करने को बोल रहे हैं देखो खुद मतलब ये है कि पहले उन्होंने इससे तीन हजार लिया उस टास्क उस के अंदर इन्होंने एक और टास्क दे दिया अगर आपको तीन हजार वापस चाहिए तो अभी आपको सोलह हजार एक सौ बीस रुपये देने हैं नहीं जो ती, ये तीन ये सेकंड टास्क था ना तीन हज़ार वाला उसमें ही ना आपको इतना पैसा मिलना था तो ये जीत तो गई थी पर उसको रेटाउस को वो पैसा निकालने के लिए ना उसको और पैसा लगाना था उन्होंने बोला एटी थाउजेंड बोला कि भाई एटी थाउजेंड में नहीं कर पाऊंगी तो इसलिए मुझे मैसेज कर रही है कि मैंने मिस्टेक कर दी मगर मैंने इसे पूछा था कि तुमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था लास्ट लास टास्क में तो उसने क्या लिखा है ट्वेंटी के अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ट्वेंटी के देखो इसने और जो रिसेप्शनिस्ट है ना जो इनके पैसे देते हैं वो कितनी बदतमीजी करता है इस वाले स्क्रीन शॉट में तो नहीं है दूसरा स्क्रीन शॉट है मेरे पास वो पढ़ के बताऊंगी इसमें तो लिख रखा है सी अभी मैं पढ़ के बताती हूँ इस लड़की ने इनसे पूछा है सी वॉट एवर आई रिप्लाइड वो रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं यू लूज दिस टाइम सो so, इसने बोला कि नो यू डिड दिस वो बोले कितनी बदतमीजी से बोल रहा है आर यू ब्लाइंड ये तो लड़ रहे आपस में आई थिंक यू आर ब्लाइंड कह रहा ओके कूडन सी दिस केयर कॉन्ग्रेचुलेशन के ऑन लूजिंग मनी हा 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 मतलब हंस भी रहा है बंदा एक तो उसके पैसे ले लिए तो उसने बोल दिया कि नो वरी आई डोंट केयर हु केयर सच ऑफ लिटल अमाउंट ट्वेंटी थाउजेंड प्लीज लड़की ने उसको तोड़ जवाब दिया है बट एट लीस्ट भाई उसके पास ट्वेंटी थाउजेंड थे लूज़ करने के लिए इसने दे दिया पर आपके पास नहीं है मेरे पास नहीं है तो प्लीज़ गाइज सेव योर मनी इन जैसे चूतियों लोगों से तो ऐटलीस्ट सेव योर मनी इन इन लोगों को देने के बजाय कहीं और खर्च कर लो खा लो कुछ कपड़े खरीद लो मम्मी को ख़रीदवा दो घर में लगा लो, ग्रॉसरी ले आओ बट इन जैसे चूतियों को मत दो प्लीज़ भाई तो मैं खुद हैरान थी कि ट्वेंटी थाउजेंड लगाने हैं उनका सीरियसली यार तुम ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ लगा दिए देखो उसमें लिख भी रखा है और भी लोग मैंने इसको बोला भैया कि और भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है जैसे ही मैंने ग्रुप में मैसेज किया इसको मैंने पूछा कि तुमने कितना और नुकसान तुम्हारा कितना टोटल कितना लूज़ किया तुमने देखो इसने क्या लिखा है ट्वेंटी थाउजेंड भाई साहब ट्वेंटी थाउजेंड कम नहीं होते हैं भाई मेरे बस की तो नहीं है कि मैं ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ दे मैं तो लगाऊंगी मेरे पास है ही नहीं लगाने के लिए कहाँ से लगाऊंगी इसने ना मेरी से आई मांगी थी कि जो आपकी रिसेप्शनिस्ट है ना आप मुझे उसका दो मैं डिटेल लेके ना एक बारी ट्राई करती हूँ देखती हूँ क्या पता मुझे मेरे पैसे रिटर्न मिल जाए बट इसको मिले तो नहीं इसने मुझे बोला कि अपने रिसेप्शन की डिटेल तो मैंने दे दी अटे भाई वो लोग ना क्रॉस चेकिंग कर हैं पूरी एक टीम बिठा रखी है जो क्रॉस चेकिंग के लिए है चेक करते रहते हैं जिनको हमने निकाल दिया है मतलब जिनका हमने फ्रॉड कर लिया है उनकी अलग लिस्ट है जो प्रोसेस में है उनकी अलग लिस्ट है और जिनसे भी करना है उनकी अलग लिस्ट है भाई मतलब पूरा एक अच्छा खास उन्होंने सिस्टम बिठा रखा है लिख रखा है ना मेरे साथ तो तीन हज़ार में जो सेकंड टास्क दिया था तैंतीस का था तो उसमें मुझे बयासी सौ वापस आए थे मतलब पहले देखो पहले ना ट्रस्ट बनाते हैं पहले ट्रस्ट बनाएंगे एक हज़ार पैसा स्टार्टिंग में आपसे एक हज़ार निकलवाया फिर आपको तेरह सौ रुपया वापस मिल गया तीन हज़ार का प्रॉफ़िट मिला फिर उन्होंने देखो सेकेंड टास्क में तीन हज़ार दिया लिखा है ना तीन हज़ार दिया जो तैंतीस सौ का था और उसके रिटर्न में इनको किसको कितना मिला आठ हज़ार दो सौ बयासी सौ रुपये मिले और फिर तीसरे टास्क में इसका से स्कैम हो गया कभी है। मगर जब थर्ड टास्क किया तो स्कैम हो गया इसलिए जो न्यू ग्रुप में ज्वाइन हो केयरफुली मुझे बता रही है कि आप, आप अगर कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ केयरफुली ये लोग बहुत बड़े स्कैमर हैं सो so, इसने अभी तो यार इसने तो बहुत सारा पैसा अपना गवा दिया है बहुत ही बहुत ही सारा क्या ही बोल इसने अपने सारे दुख मुझे बता रखे हैं देखो कितनी चैट्स हैं कितनी सारी चैट्स है इसके साथ मेरी उसके अलावा जैसे ही मैंने ग्रुप मैसेज डाला था ना काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे उसके बाद ये विक्की का आया था विक्की भी पूछ रहा था कि आपने कितना पैसा कमाया है अभी तो ग्रुप से मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया मुझे सोच रही थी कि बता दूँ बट मुझे ये नहीं पता था कि ये बंदा ग्रुप का जेनवन बंदा है या उन्हीं की टीम का है क्योंकि अगर उन्हीं की टीम का होगा तो फिर भाई मेरे साथ भी फ्रॉड हो जाएगा इसलिए मैंने कुछ बताया ही नहीं तब तक क्योंकि मैं तनु की हेल्प कर रही थी तब तक मुझे ग्रुप में ही रहना है एक बार खबर देख लूँ क्या चल रहा है ताकि मैं इसके साथ लिंक शेयर कर पाऊँ इसलिए मैंने उसको कुछ बताया ही नहीं और भी काफ़ी सारे लोग हैं बहुत सारे लोग कोई एंड्रे ये जो एंड्रे है ना ये रिसेप्शनिस्ट ही है ये भी बट ये उन्हीं की टीम का नया बंदा है दूसरा बंदा है जो आपको बताता है ट्रेडिंग वगैरह कैसे करना है किस पे किस पे लगाना है पैसा किस पे नहीं लगाना है बताता रहता है तो इस टाइप से ही चलेगा आपका बहुत सारे हैं गाइज़ बहुत सारे बहुत सारे तो ऐसे ना मैं तो ये बोलूँगी ऐसे स्कैमर से ना गाइज प्लीज़ बच के रहना प्लीज़ बच के रहना हाँ अगर ऐसा आपके पास मैसेज आता है ना तो आप ये कर सकते हो कि आपको मतलब एक दो तो हज़ार रुपये कमाने हैं उसके लिए ठीक है उसके लिए तो मैं ही बोलूँगी उसके लिए ठीक है सेफ एक हज़ार तक का प्रीपेड टास्क हो ठीक है बट उसके बाद कोई भी मत करना उसके बाद मत करना मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जो पहला टास्क आपका आता है ना वो करो उसके बाद कोई भी टास्क मत करना क्योंकि उसके बाद जितने प्रीपेड अकाउंट आते हैं ना उन सभी में आपका पैसा भाई जा सकता है तो प्लीज़ मैं तो यही बोलूँगी बाकी अपने रिस्क पे करो अगर पैसा है अगर आप कुछ सोचते हो कि भाई क्या पता हम कमा लें तो करो बट मैं तो यही सजेशन दूँगी कि प्लीज़ गाइज मत ही करना सो so, यही थी आज की वीडियो यही मुझे थोड़ी एक बताना था आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि भाई क्या चल रहा है आजकल क्या नहीं चल रहा है बहुत सारे ऐसे फ्रॉड वाले हैं और भी एक फ्रॉड और हुआ है हुआ है जो एक और अलग प्लेटफॉर्म से है तो अगर उसके बारे में डिटेल चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट में बता देना वो तो और तगड़े वाला है वो तो गई सीरियसली तगड़े वाला है बट हाँ उसका पहले ही अमाउंट का रिटर्न पहले ही जो टास्क है उसका पैसा काफ़ी बड़ा है तो अगर उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय